नमस्कार दोस्तों, अभी भी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मणिपुर का गुस्सा महाराष्ट्र पहुंचा, नासिक में हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान 10 पुलिसकर्मी घायल। मणिपुर की महिलाओं से हैरानगी के विरोध में महाराष्ट्र के नासिक जिले के सातना शहर में शनिवार शाम को निकाले गए एक विरोध मार्च के दौरान हुई हिंसा में कम से कम 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। नासिक के पुलिस अधीक्षक शाहजी उमाप ने कहा कि इस सिलसिले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और स्थिति अब तक नियंत्रण में है। मणिपुर में हुई घटना की निंदा करने के लिए एकलव्य आदिवासी संगठन का कुछ अन्य आदिवासी और वंचित बहुजन अघाड़ी द्वारा इस विरोध का मार्च आयोजन किया गया था। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 3 मई की घटना को लेकर शनिवार को केंद्र के साथ साथ मणिपुर सरकार पर भी निशाना साधा। थाने में उत्तर भारतीयों के एक जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव ने सवाल करते हुए कहा कि क्या दिल्ली सत्ता में बैठे लोग महाभारत की धृण राष्ट्र बन गए हैं, क्योंकि जब महिलाओं को अपमानित किया जा रहा था तो वे कार्रवाई करने में विफल रहे। ठाकरे ने यह कहने के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की भी आलोचना की है कि राज्य की हिंसा शुरू होने के बाद भी ऐसी कई घटनाएं हुई है। आपको बता दें कि मणिपुर में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और उसके साथ छेड़छाड़ करने का एक वीडियो सामने आने के बाद राज्य में तनाव बढ़ गया है। गौर करने वाली बात है कि मणिपुर मई की शुरुआत से ही जातीय संघर्ष की चपेट में है। 3 मई को वहां जातीय हिंसा शुरू हुई थी जिसमें 160 से अधिक लोग की मौत हो चुकी है जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। ऐसे ही पल पल की छोटी बड़ी और देश विदेश के खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बैक टू बैक न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। अपनी राय कमेंट पर जरूर दें। सतर्क रहें, अलर्ट रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।